लेकिन जस्ट अभी इस खतरनाक मोड़ में हैं इस घाटी के, तो आपको हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपको साल्हेवारा घाटी, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। तो अभी है दोस्तों हम लोग साल्हेवारा घाटी में, और अभी बारिश हो रहा है, इसी वजह से रेनकोट हेलमेट आप देख रहे हो ना, ये सब पहने हुए हैं। हमारे साथ अपना दोस्त है संदीप पटेल, तो दोनों अभी राइड पे निकले थे, और देखते हैं किस तरह का। अभी तो मौसम थोड़ा थोड़ा भी पानी कम हुआ है, लेकिन आगे यार बहुत ज़्यादा पानी था। और चलिए कोशिश करते हैं आपको साल्हेवारा घाटी दिखाने का। अभी पहुँचे दोस्तों साल्हेवारा घाटी, और इधर थोड़ा सा मौसम अभी अच्छा लग रहा है। जस्ट पीछे जो बंजारी माता का मंदिर है ना, उधर अभी बारिश हो रहा था, और थोड़ा सा आगे आए ना तो यहाँ पर मौसम काफ़ी शानदार है यार। और देख सकते हो आपको अभी घाटी दिखलाने वाले हैं, और कोशिश यही है कि आपको हम लोग घाटी दिखला दें साल्हेवारा घाटी को। ऐसे तो मौसम आज परेशान कर दिया है हमें, कोई भी जगह घूमने नहीं दे रहा है, और हम लोग हमेशा बारिश में फंस ही जाते हैं। पिछले बार हम लोग साल्हेवारा घाटी आए थे तो उस टाइम भी हम लोग बारिश में फंस गए थे, लेकिन इस बार ऐसा मत हो, अच्छे से निकल जाए। काफ़ी सुंदर घाटी है, लेकिन राजनांदगांव में जो एक घाटी है जो पूरा तहलका मचा के रखा है, बैताल पुरानी घाटी, वो तो पूरा छत्तीसगढ़ की पूरा घाटी को टक्कर दे दिया है दोस्तों। बहुत शानदार घाटी बैताल वाली घाटी है वो। इस तरफ का जो घाटी है वो एकदम नॉर्मल है, करेंगे ताज जगह रूम के आपको नज़ारा भी दिखला दे यहाँ का। नज़ारा तो काफ़ी सुंदर है इधर का, इधर का मोड, और आपको साल्हेवारा घाटी में जा के काफ़ी सुंदर सुंदर मोड। दोस्तों हालत तो पूरा ख़राब है यार, दिन भर हो गया रेनकोट पहने, बारिश की वजह से कभी बारिश होता है कभी पानी छोड़ देता है। और अभी हम हैं साल्हेवारा घाटी में, तो अभी रेनकोट वगैरह तो निकाल दिए हैं, लेकिन जस्ट अभी इस खतरनाक मोड़ में हैं इस घाटी के, तो आपको दिखलाते हैं। सबसे खतरनाक मोड़ यही वाला है यार, बाकी उतना ख़तरनाक नहीं है मोड़, और देखने लायक है इस घाटी में इस तरह का मोड़ है वो। सामने आपको दिखाई दे रहा है यही है इस घाटी का बहुत ही ख़तरनाक मोड़, उधर से आता है और इधर राउंड आप देख सकते हो इधर चला जाता है, तो काफ़ी खूबसूरत है इस घाटी में। और हम लोग एक बार आए थे तो इसी घाटी में फंस गए थे बारिश की वजह से, लेकिन इस बार नहीं फंसेंगे, पूरा इंतज़ाम है, रेनकोट वगैरह है, तो कोशिश करते हैं, चलिए निकलते हैं। और चांस है कि 100% अभी बारिश हो गई। बड़ा बड़ा जब गाड़ी आता है ना, तो क्या शानदार मोड़ है, बहुत अच्छे से मुड़ता है, फिर देखने लायक रहता है यहाँ पर इसका। तो मोड़ देखते हुए चलिए दोस्तों, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यार साल्हेवारा का जो घाटी है। अरे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही आपको रियल जो साल्हेवारा घाटी है उसका मज़ा आएगा, कुछ इस तरह का मोड़ देखते हुए यार।
बारिश होता है तो इधर चट्टान भी खा सकता है बारिश की वजह से। तो बारिश के समय इस तरह के चट्टान से दूरी रहिए, अधिकतर लोग जाके चट्टान के पास खड़ा हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह का है दोस्तों यह सालेवारा जो घाटी है, और रोड का कंडीशन आप लोगों को कैसे लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं आ रहा यार। बहुत जगह बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं, और अधिकतर जो हादसे का कारण भी वो होता है घाटियों में। अगर घाटी तो ऐसे ही ख़तरनाक होते हैं, और इस तरह का जो गड्ढे हैं वो उस इस तरह की घाटी को और भी ख़तरनाक बना देते हैं। तो यार एकदम संभल कर चलिए और स्पीड को एकदम कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आगे का रास्ता भी घाटी में समझ में नहीं आता कि सामने से क्या आ रहा है क्या जा रहा है। इस तरह के रास्तों में बहुत ज़्यादा सावधानी रखते हैं। तो इधर का जो रास्ता है दोस्तों पूरा पथरीला रास्ता है, पूरा पत्थर वगैरह बिखरे हुए हैं, और रोड के कंडीशन आप देख ही रहे हो बहुत जगह से उखड़ गए हैं, और इस वजह से और भी ख़तरनाक हो जाता है यह घाटी है वो। और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और काफ़ी घना जंगल भी है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर व्यू होता है यहाँ का, लेकिन वही है कि रोड का कंडीशन ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और घाटी तो आप देख ही रहे हो कि बहुत ही सुंदर घाटी है, आप इस घाटी का मज़ा ले सकते हो, आनंद लेने लायक है अगर आप इस घाटी से गुजरते हो तो। और जब बारिश होता है तो और भी काफ़ी सुंदर होता है यहाँ का नज़ारा, क्योंकि मैं एक बार बारिश में यहाँ से गुजरा हूँ तो उस समय देखने लायक था यह घाटी। बारिश होता रहता है और घाटी से गुजरो तो यार बहुत बेहतरीन फील होता है। तो आप लोग भी इस तरह की सिचुएशन से अगर घाटी से गुजरे हो तो आपका अनुभव आप बता सकते हो कि कैसा लगता है, और हमें तो बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों इस तरह की घाटी से गुजरने में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ना किस तरह का है सालेवारा घाटी, और हम लोग घाटी से आगे आ चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।